हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं जो कैलेंडुला की सीडलिंग है उसी को रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ पहले भी सीडलिंग अपनी रिपोर्ट करी थी, बहुत छोटी छोटी थी। ये इसी गमले से निकाल के मैंने इनको लगाया था और देखिए इसमें इनकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि मैंने इसको सिर्फ मिट्टी में मिला के लगा दिया था, बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया था कुछ भी। और क्योंकि बेबी प्लांट्स जो थे बहुत ज़्यादा छोटे थे तो मैंने इनको ऐसे ही लगा दिया था। कुछ मैंने और भी रिपोर्ट किए थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़राब से, मतलब लंबे से प्लांट हो गए थे। तो इनकी कंडीशन देखिए, ये बिल्कुल फुल धूप और फुल बारिश में रखे रहते हैं, इस वजह से और ज़्यादा इनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। तो कुछ प्लांट फिर भी हेल्दी हैं, ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर हैं ये अभी भी, और इनकी ग्रोथ भी हो जाएगी अगर, तो ये काफ़ी अच्छे प्लांट बन जाएंगे कुछ टाइम में। लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप लगने की वजह से देखिए थोड़ा सा कुछ प्लांट ख़राब भी हो गए हैं। अब इतनी स्पेस नहीं थी कि मैंने सबको छाया में उठा के रखती, क्योंकि काफ़ी सारा जगह बिल्कुल घेर लेते हैं फिर ये। तो मैं आज इन्हीं को लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये ग्लासेस मैंने लिए हैं, वैसे मिट्टी के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट्स। तो मेरे पास ये लगभग ख़त्म है, कुछ मैंने अपने सकुलेंट लगाए हुए हैं, एक खाली है तो मैं इसमें भी लगा दूँगी, बाकी मैं इसी में लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत आसानी से अवेलेबल भी हो जाते हैं और इसमें प्लांट भी अच्छे से चल जाते हैं, तो मैं इन्हीं में लगाने वाली। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी में मैंने मिलाया है, थोड़ा सा इसमें राइस हस्क है, थोड़ी वर्मी कंपोस्ट है और थोड़ी सी एक मुट्ठी मैंने अपनी किचन वेस्ट कंपोस्ट भी डाल दी है, और ये है ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड पाउडर। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। तो फंगीसाइड आप जरूर थोड़ा सा मिला दीजिए, क्योंकि जो विंटर की सीडलिंग होती है और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको बहुत जल्दी फंगस से ख़राब होते हैं प्लांट। और हमारे यहाँ दो दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, पूरे रेनी सीजन में इतनी अच्छी बारिश यानी नहीं हुई थी। तो अभी मौसम भी काफ़ी ठीक है, तो मैंने सोचा इनको रिपोर्ट कर लेती हूँ, तो ये अच्छे से ग्रो होते रहेंगे और थोड़ा फर्टिलाइज़र भी इनको हल्का सा मिल जाएगा। क्योंकि जो मैंने ये ग्रो किए थे सीडलिंग बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में ही किया था, बाकी तो मैंने इनको तो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में ग्रो किया था, तो पहले से ही बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए थे। लेकिन इनकी लंबाई ज़्यादा होने की वजह से थोड़े से प्लांट इस तरह की कंडीशन में आ गए हैं और मैंने केयर भी नहीं करी इनकी। तो बस इनको मैं अच्छे से लगाऊँगी और फिर इनको अभी मैं थोड़ा सा सुबह ऐसी जगह रखूँगी जहाँ सुबह की दो तीन घंटे की धूप आती हो, लेकिन बारिश से थोड़ा बचा के रखूँगी, नहीं तो अब ये ख़राब हो जाएंगे तो मुझे बार बार सीडलिंग करनी पड़ेगी फिर। और अगर इतने प्लांट मेरे तैयार हो जाते हैं तो मेरे पास कैलेंडुला के काफ़ी सारे प्लांट हो जाएंगे। तो चलिए हम इनको एक एक करके लगा लेते हैं। तो होल को बंद करने के लिए आप चाहे तो इसमें नीचे कुछ कंकड़ डाल सकते हैं या तो और भी कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला है। तो इस तरह से मिट्टी भरेंगे, और प्लांट को निकालेंगे बिल्कुल सावधानी से ताकि इसका रूट बॉल बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से निकालना है, अगर वैसे भी लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमको ऐसे लगाना है प्लांट को कि रूट बॉल बिल्कुल डिस्टर्ब हुए बिना और ये हमारा बहुत अच्छे से इसमें लग जाए। तो इस तरह से निकालेंगे और प्लांट को इस तरह से रखेंगे और इसके चारों तरफ से अपनी जो मिट्टी हमने तैयार की है इसको भर देंगे। तो फंगीसाइड में आप कोई भी फंगीसाइड डाल सकते हैं, क्योंकि इनको फंगस बहुत जल्दी लगता है, फंगस की वजह से ही विंटर की सीडलिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अगर आप फंगीसाइड का स्प्रे करते रहते हैं, मैंने तो नहीं किया था अभी तक बिल्कुल भी, लेकिन अभी इनको रिपोर्टिंग के टाइम में मैंने मिट्टी में मिला दिया है फंगीसाइड। तो ये देखिए, आपको इतना ही इसका पार्ट दबाना है जहाँ से ये नीचे की स्टेम होती है, इसके ऊपर आपको पत्तियों वाला भाग को बिल्कुल भी मिट्टी में नहीं दबाना है, वहाँ से ये ख़राब होकर गल करके ख़त्म हो जाएगा प्लांट। तो इस तरह से हमको रिपोर्ट कर लेने हैं। तो आप जब भी विंटर की सीडलिंग रिपोर्ट करते हैं तो आप इसी तरह से रूट बॉल सहित निकालिए, प्लांट आपका शॉक में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, स्ट्रेस में नहीं जाएगा और प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रो होने लगेगा। नहीं, कई बार होता है हमारे प्लांट रिपोर्टिंग के बाद भी ख़राब हो जाते हैं, तो वही कारण होता है, छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स होते हैं। देखिए कितनी अच्छी इनकी रूट्स, देखिए कितने अच्छे से डेवलप हो रही हैं, काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है। तो मेरे कैलेंडुला बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे और अच्छी फ्लावरिंग भी करने लगेंगे।
तो मैंने बाकी तो कुछ भी सीडलिंग नहीं करी है अभी, क्योंकि मैं जो पिटूनिया वगैरह की सीडलिंग मैं नर्सरी से ही लेकर आऊँगी। हम घर में जो पुराने सीड से ग्रो करते भी हैं तो उतने अच्छे फ्लावर उनमें नहीं आते हैं, इसीलिए मेरे पास कुछ सीड थे लेकिन मैंने ग्रो नहीं किए उनको। उनमें थोड़ा लाइट कलर के फ्लावर आते हैं जो देखने में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, और बाकी तो मेरे पास सीड कलेक्ट भी नहीं कर पाई थी मैं। मैंने डॉग फ्लावर के सीड रखे थे लेकिन वो पता नहीं कहाँ गुम हो गए, नहीं तो वो भी बहुत आसानी से सीड से ग्रो हो जाता है। ये देखिए हमने थोड़ा सा ठोंक दिया इसको नीचे से और थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे। और मिट्टी हमारी गीली है इसलिए पानी अभी डालना बहुत ज़रूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देंगे पानी का हम इसमें। तो ये देखिए मैंने सारे ही प्लांट रिपोर्ट कर लिए हैं, 3-4 प्लांट अभी भी बचे हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं और मिट्टी भी ख़त्म हो गई, साथ में ये जो ग्लासेस थे ये भी ख़त्म हो गए मेरे। तो इतने सारे क्वांटिटी में लग नहीं रहा था कि इतने सारे प्लांट निकल कर आएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इनको सबको लगा लिया है और बस मैं इनको थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्रे कर दूँगी, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं गीली करूँगी क्योंकि ग्लास में पानी जल्दी सूखता नहीं है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और शुरू में खैर थोड़ा पानी डाल देना है मुझे, थोड़ा सा डालूँगी पानी में और उसके बाद फिर मैं इनको ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिलती रहे ताकि अच्छे से ग्रो होते रहें। छाया में हम इनको रख देंगे तो ये लंबे लंबे से प्लांट हो जाएंगे और फिर उतना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, हेल्दी ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो बस इनको इसी तरह से हमको लगा देना है, सारे ही प्लांट को रख देना है। और देखिए अब कितने सारे प्लांट हो गए हैं, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल सेट, इतने प्लांट मैंने ग्लासेस में लगा दिए और 4 प्लांट मेरे यहाँ पे भी रखे हुए हैं। ये देखिए ये इनमें रखे ये मिट्टी के जो छोटे छोटे पॉट्स हैं, ये देखिए तो ये भी रखे हैं और एक मैंने अभी इसमें लगा दिया है, तो ये बहुत छोटा सा है। और इतने ही छोटे छोटे मेरे 4 प्लांट और बच गए हैं तो उनको मैं कहीं देखती हूँ लगा दूँगी, नहीं तो इतने ही अगर ये ग्रो हो जाते हैं तो काफ़ी सारे हो जाते हैं मेरे पास। मैंने भी 3rd फ्लोर पे भी सीडलिंग की है, वो भी बिल्कुल फुल सन में ग्रो हुई, तो बहुत अच्छी हेल्दी सीडलिंग ग्रो हुई है। तो मैं उनको देखूंगी थोड़ा, देखिए कोई कोई शॉक में आ रहे हैं क्योंकि जिनकी रूट्स थोड़ी खुल गई है वो थोड़ा सा मुरझा रहे हैं, तो मैं इनको बस थोड़ा सा पानी दे दूँगी ताकि इनको कोई शॉक ना लगे और स्ट्रेस में ना आए बिल्कुल भी हमारे प्लांट, बेबी प्लांट्स जो हैं ये। और कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए, आप एक एक सीडलिंग लेने जाएंगे तो 5-5 रुपीज़ की ये मिलती है नर्सरी में, तो देखिए फ्री में बिल्कुल तैयार हो गए इतने सारे प्लांट, तो बहुत ही आसान है इसको ग्रो करना 3-4 दिन में। तो ये देखिए मैंने ले लिया है 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर, इसमें पानी में घोल करके और बस यही वाला पानी में थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दूँगी इसमें ताकि प्लांट हमारा अच्छे से सेट हो जाए। और बस ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तो ये देखिए बस बहुत प्रेशर से नहीं डालना है, धीरे धीरे ही डालना है ताकि मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए और प्लांट को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जिनकी रूट्स खुल गई उनको तो पानी देना ज़रूरी है, नहीं तो वो ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो बस इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी दे देंगे सभी में, अब धीरे से पानी दीजिए ताकि प्लांट आपका गिरे नहीं, टेढ़ा नहीं हो। देखिए मेरा भी एक प्लांट टेढ़ा हो गया है, तो थोड़ा सा बिल्कुल इस तरह से, और कोई भी सीडलिंग या रिपोर्टिंग आप करते हैं तो आप फंगीसाइड वाला पानी देते हैं तो प्लांट को अच्छे से पानी भी मिल जाता है और किसी चीज़ का फंगस लगने का डर भी नहीं रहता है, तो बहुत अच्छा काम करता है ये। ये देखिए हमने सारे ही प्लांट को दे दिए पानी और ये हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे। ये देखिए बस इसको हमने थोड़ा सीधा कर दिया है। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। आज हमारे यहाँ हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही हैं